वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक गेमर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि आपको मिल सके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और यहाँ पे आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नर्सरी पे जो है नॉर्थ ईस्ट एग्रो सर्विस। नॉर्थ ईस्ट एग्रो सर्विस बहुत ही बढ़िया एक नर्सरी है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा नर्सरी हो सकता है शायद। मुझे दूसरा नर्सरी में नहीं देखा हूँ लेकिन ये बहुत ही बढ़िया बड़ा नर्सरी है। और यहाँ का जो प्लेंट वगैरह है, इवन बांग्लादेश पे भी ये प्लेंट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ये जो नर्सरी का अंदर बहुत सारे पौधे हैं जो आप अपने घर का अंदर रख लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पे आए हैं घर का इंडोर प्लांट को परचेज़ करने के लिए, लेकिन इस नर्सरी पे इंडोर या फिर आउटडोर बहुत सारे फ्रूट्स और तरह तरह के प्लांट है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर आपको घर का अंदर लगाने वाला प्लांट को दिखा रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया। अगर आपने आपका घर का अंदर कोई प्लांट लगाया है तो कमेंट करके उस प्लांट का नाम ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा है तो शायद हम भी अपने घर पे ट्राई करेंगे लगाने के लिए। बहुत ही बढ़िया ये जो नर्सरी है, इसका अंदर काफ़ी बढ़िया प्लांट मिलता है। तो यहाँ पे स्नेक प्लांट, स्पाइडर प्लांट, पेस प्लांट, रोबार, डेविल इवेल इंग्लिश ये भी और भी बहुत सारे यहाँ पे देखे। तो प्लांट को ऐसे भी रख सकते हैं आप लोग, आपका घर का अंदर ऊपर रख सकते हैं किसी पॉट का अंदर, काफ़ी बढ़िया है। और इसका प्राइस भी उतना ज़्यादा नहीं है, 200-300 का अंदर है, 100-200-300 ऐसा ही लग रहा है। और यहाँ पे देखिए, और जो कैक्टस का जो पौधा होता है ना, कैक्टस का छोटा छोटा पौधा, मैं आगे अपने वीडियो पे लास्ट पे दिखाऊंगा, यह बढ़िया लग रहा था कैक्टस का। और इसके बाद बम्बू का भी पौधा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कैक्टस का बहुत छोटा पौधा है, बहुत ही बढ़िया है यह। और यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्लांट है जो आप अपने घर पर लगा सकते हैं। और इसी तरह ब्लॉग्स अगर आपको चाहिए कमेंट करके बताइएगा। और मेरा जो प्रीवियस एक नर्सरी का ब्लॉग था शोमा नर्सरी, उसका भी ब्लॉग दिखाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लेना वह उस नर्सरी का। और ये जो नर्सरी है सिलचर का काबूगंज एरिया पे पड़ता है, काबूगंज बाज़ार से थोड़ा पास ही है। बहुत ही बड़ा नर्सरी है, बहुत ही बड़ा नर्सरी है ये। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पौधा मिलता है। यहाँ का देखिए नर्सरी का बाहर का जो फ्लावर का प्लांट है वो दिखा रहे हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ा एक नर्सरी है और यहाँ पे तरह तरह के पौधा है। तो अगर आप असम के नॉर्थ ईस्ट असम पे हो तो इस प्लांट पे नर्सरी पे आके कोई भी प्लांट परचेज कर सकते हैं। और ये देखिए कैक्टस, कलरिंग कैक्टस जो घर का अंदर ये लगाने से बहुत ही बढ़िया, मतलब घर का लुक जो है वो बहुत ही बढ़िया दिखाएगा। और देखिए घर का अंदर डेकोरेशन करने के लिए, घर का अंदर डेकोरेशन करने के लिए ये कर सकते हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी अच्छा लगा है। और इसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा होगा। और ये देखिए ये कैक्टस का पौधा है और ये बम्बू का है, बम्बू का जो घर का अंदर लगाते हैं वो पौधा, देखिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये देखिए, और यहाँ पे चलते हैं, अभी हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम लोग जो पौधा परचेज़ करना था वो कर चुके हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी ज़रूर करना। और आपका घर पे कौन सा पौधा लगाया है आपने वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन बाय।